हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं टैकी मंथन। दोस्तों, आप हमेशा जो है वॉच का इस्तेमाल टाइम देखने के लिए करते हैं या फिर आप जो हर काम है अपना टाइम के अनुसार करते हैं और आप अपनी वॉच पर देखते हैं कितना टाइम हो चुका है, मुझे ये काम करना है। पर क्या आपने जाने की कोशिश की है जो आपकी वॉच में जो टाइमिंग होता है वो इतना एक्यूरेट कैसे होता है और साथ में जो 1 सेकेंड वो आपका इतना एक्यूरेट कैसे होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा हमेशा एक सिल्वर टाइप का जो सेल टाइप जो होता है वो आपने हमेशा अपनी वॉच में देखा होगा दोस्तों, पर आपको ये नहीं पता होगा उसके अंदर क्या होता है। तो मैं आज आपको ये सभी चीजें बताऊंगा और साथ में बताऊंगा जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जिसे हम वॉच का हार्ट भी बोल सकते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप इस चीज के बारे में पूरी नॉलेज ले सके। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, घड़ी का जो टाइम अपडेट करने के लिए या कहीं जो कंप्यूटर जैसे मदरबोर्ड्स या कोई भी चीज़ होती है, आपका मोबाइल फोन होता है, उसमें एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीडेटर होता है जो आपके टाइम को अपडेट करता रहता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो आमतौर पर जो हमारी धरती में कॉमन पाया जाता है वो जो पाया जाता है वो कुछ इस तरह पाया जाता है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है उसे हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी वॉचेस में, आपने देखा होगा एक सिलेंडर टाइप का सेल होता है, छोटा सा सेल की टाइप की तरह का सिल्वर सिल्वर, उसके अंदर जो है क्वार्ट्ज होता है। और जो आपने मोबाइल्स में देखा होगा या आपने पीसी में देखा होगा उसमें भी ऐसे ही होता है। आपने यहाँ पे ट्रायंगल शेप का देखा होगा, ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं चार्ट में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो जो बना होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। सिलिका का इस्तेमाल भी जो हम कंप्यूटर चिप बनाने में करते हैं या जो ग्राफिक्स कार्ड की चिप्स होती हैं, जो भी आपकी चिपिंग लेवल पे जो होती है वो सिलिका से बनाई जाती है। अब आप सोचेंगे कि जो हमारी घड़ी में है क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही क्यों इस्तेमाल किया था? दोस्तों, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो पहले ये बड़ी आसानी से पाया जाता है और दूसरी बात यह है कि जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है इतनी एक्यूरेट होती है कि अगर हम उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है पर सेकंड में उसकी होती है 32,768 हर्ट्ज पर सेकंड। एक तो हो गया उसकी फ्रिक्वेंसी की वजह से कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है बहुत ही एक्यूरेट होती है और जो टेम्परेचर हो या कोई भी प्रेशर हो उस पर इतना असर नहीं डालता तो उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आता। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी की अच्छी होने की वजह से जो हम है उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यह है कि इसमें पीजो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे जो है मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी इस करके प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसके जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एटम्स होते हैं सिमिट्रिकली अरेंज तो नहीं होते, पर क्या होता है कि उसके जो चार्ज होते हैं परफेक्टली बैलेंस होते हैं। परफेक्टली बैलेंस ऐसे होते हैं कि जो सिलिकॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, वो सिमिट्रिकली अरेंज होते हैं और उनका जो कैंसिल हो जाती है सिमेट्रिकली अरेंज की वजह से। पर जब मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसके जो चार्जेस हैं अनबैलेंस हो जाते हैं। अनबैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो एक साइड होते हैं नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं और जो दूसरी साइड होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की उस पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसकी वजह से तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम फर्दर यूज में कर सकते हैं। इसी तरह यह है कि जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे तो उसमें जो है वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप नेट पे भी सर्च मार सकते हैं जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो हम मिनी जनरेटर बोलते हैं कि कैसे हम जो है उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने इसका इस्तेमाल ज्यादातर देखा होगा कि आपने शूज में देखा होगा जब हम उस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो हमारी जो बैटरीज होती हैं शूज में वो चार्ज होती है, या हम अपना फोन भी से चार्ज कर सकते हैं, या फिर जो है उसमें जो लाइटनिंग लगी होती है एलईडी छोटी छोटी और उनको जगाने के लिए किया होता है इस्तेमाल जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं। तो अब आपको जो है पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है हमारी जो वॉच में कैसे वर्क करता है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है उसको एक प्रॉपर शेप में काटा जाता है और उसको जो पहले जो इस्तेमाल किया जाता था वो कुछ इस तरह से किया जाता था सेल के अंदर, वो प्रॉपर जो सिंपल तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। अब जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो न्यू वॉच में आते हैं उसको हमेशा ट्यूनिंग फोक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप जैसे देख सकते हैं इस फोटो में ट्यूनिंग फोक कुछ इस तरह का होता है, उसी तरह क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इसी शेप में काटा जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जो लेंथ हो सकती है वो 4 mm तक की होती है और जो इसकी थिकनेस होती है वो 0.5 mm से भी कम की होती है। ट्यूनिंग फोक की तरह इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम उसकी फ्रिक्वेंसी को, जैसे उसकी जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 32,768, पर उसकी हम फ्रिक्वेंसी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो ट्यूनिंग फोक की तरह से जब काटा जाता है तो उसके अगले हिस्सों में कुछ जो मास है जैसे गोल्ड का या किसी और मेटल का जो है उसके ऊपर पर चढ़ाई जाती है, जैसे टाइटेनियम की भी उसके ऊपर थोड़ी ऊपर पर चढ़ाई जाती है और ये कुछ ज्यादा नहीं होती, ये बहुत ही नैनोमीटर में होती है, कुछ 2-3 नैनोमीटर की जो है पर चढ़ाई जाती है ताकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी को स्लो डाउन किया जा सके। कई बार आपने देखा होगा क्वार्ट्ज
पिछले पे आपने लिखा देखा होगा 16 मेगाहर्ज या 14 मेगाहर्ज, तो वो क्या होता है उसके ऊपर जो ट्यूनिंग फोक की तरह इस्तेमाल किया था उसके फ्रंट हिस्से पे थोड़ा किसी और मेटल का जो है मास लगा दिया था ताकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है स्लो डाउन हो सके। इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी एक्यूरेट होती है कि क्या होता है कि जो हमारी डिजिटल वॉच होती है या कंप्यूटर में जो हमारा इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी जिसमें टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ सैटेलाइट को छोड़कर जो सैटेलाइट होते हैं उसमें एटॉमिक क्लॉक इस्तेमाल की जाती है ना कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जब हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है उसमें जब सेल के थ्रू जो है उसे वोल्टेज अप्लाई की जाती है, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वो वाइब्रेशन करता है, वो जो वाइब्रेशन है वो 32,768 टाइम्स जो है फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करता है पर सेकंड में। तो जो उसमें चिपिंग होती है आपने देखा होगा वॉच में, चाहे आपकी डायल वॉच होती है या फिर आपकी जो डिजिटल वॉच होती है उसमें क्या होता है कि एक डिवाइडर लगा होता है जो 32,768 की जो फ्रिक्वेंसी को डिवाइड बाय 222 से करके 15 टाइम्स उसकी जो 1 हर्ज का इस्तेमाल है 1 सेकंड के रूप में करते हैं, चाहे डिजिटल वॉच है या डायल वॉच है। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद सबसे पहले जो है अपने क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर में गया, फिर जो उसमें वाइब्रेशन होनी चाहिए उसे डिटेक्ट किया, अपनी जो चिप होती है चिप ने उसे डिवाइडिंग किया, डिवाइडिंग करने के बाद जो आपका हर्ज है वो 1 सेकंड इस्तेमाल हुआ, 1 सेकंड जो अगली हर्ज है वो 2 सेकंड, ऐसे ऐसे करके वो 60 टाइम। और इसमें एक रिसेट जो होती है वायर्स होती है या कहें कि गेट्स होते हैं जिसकी वजह से फिर दोबारा से रिसेट कर दिया जाता है, ऐसे मिनट्स का होता है, ऐसे आवर्स का होता है। ऐसे जो आपने देखा होगा एलसीडी में होता है, एलसीडी में क्या होता है कि 7 आपके जो डॉट होते हैं, 7 यानी कि डॉट से बनकर या लाइन से बनकर जो आपका डिजिट बनता है 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं। और जो हमारी डायल वॉच होती है उसमें एक मोटर लगी होती है जो उसकी हर्ज की फ्रिक्वेंसी होती है, चाहे वो 8 हर्ज इस्तेमाल करे या 4 हर्ज इस्तेमाल करे, जितनी बार मोटर जो घूमेगी उसके बाद उसमें गियर्स लगे होते हैं उसकी स्लो स्पीड डाउन करते हैं जिससे वो 1 सेकंड जो है हमारा डायल घूमता रहता है, 1 सेकंड जो उसकी फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करके वो डायलिंग मोटर में इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा जो डायल होता है 1 सेकंड का मूवमेंट करता है और मिनट का भी और ऐसे आवर्स का भी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है उसे हम हार्ट भी बोलते हैं अपने वॉचेस का, क्योंकि वो हमेशा वाइब्रेशन करता है, जैसे हमारा दिल धड़कता है वो भी ऐसे ही वाइब्रेशन करता है और जिसकी वजह से हमारी जो क्लॉक है इतनी एक्यूरेसी जो टाइम बताती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो ऑसिलेटर होता है वो हमेशा जो 1 सेकंड से लेकर जो 1 मिनट तक का डिले होता है वो डिपेंड करता है कि आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर है कितना एक्यूरेट है। तो वो जो टाइम 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का डिले 1 साल के अंदर करता है, आप सोच सकते हैं कि वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल कितनी एक्यूरेसी से काम करता है। आपने जो मदरबोर्ड्स में देखा होगा उसमें एक सीमोस सेल होता है और क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जिसमें आपका टाइम डेट होता है, जो आपका टाइम और डेट डिले इस तरह होता है, या फिर जब आपके सेल में जब बैटरी कम हो जाती है धीरे धीरे करके या आपके मदरबोर्ड में भी, तो जो आपका अप टू डेट टाइम नहीं होता क्योंकि वो जो ऑसिलेटर होता है हमारा वर्किंग प्रॉपर से नहीं कर रहा होता। दोस्तों आशा करता हूं मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में काफी नॉलेज मिली होगी और कि जो हमारी वॉचेस होती है वो कैसे वर्क करती है आपको ये भी पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है और आपको किस चीज के बारे में नहीं पता चला है ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। और साथ में आप जो है फ्यूचर में कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते हैं फ्यूचर्स में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आप न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।